प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय। भवानी अष्टकम हिंदी में माँ भवानी को समर्पित यह अत्यंत ही सुंदर रचना है। यह दिव्य स्तोत्र साधक के मन में माँ भवानी के चरणों के प्रति भक्ति और प्रेम का संचार करने वाला है। भवानी अष्टकम की रचना जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने की है। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति में अनेक श्लोकों और स्तोत्रों की रचना की, परंतु जगत जननी माँ भगवती दुर्गा की श्लोकों और स्तोत्रों के द्वारा स्तुति कभी नहीं की। भवानी अष्टकम की रचना के पीछे अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य बीमार पड़ गए तथा अत्यधिक पीड़ा और शरीर के कमजोर पड़ जाने के कारण वह स्वयं जल ग्रहण करने में सर्वथा असमर्थ हो गए। आदिशंकर पर कुछ क्रोधित परंतु साथ ही साथ जगत की माता होने के कारण मन में दया का भाव लिए आदि शंकराचार्य की परीक्षा लेने हेतु उसी समय माता महामाया कष्ट निवारिणी माँ भगवती प्रकट हुई। माता को अपने समक्ष देखकर जब शंकराचार्य जी ने माता से पूछा कि वह उनके कष्ट का निवारण क्यों नहीं कर रही हैं, आदि शंकराचार्य को इस प्रकार कष्ट में देखकर करुणा के वशीभूत होने पर भी माता भवानी ने उनसे प्रश्न किया कि तुम तो केवल और केवल भगवान शिव की ही आराधना करते हो और केवल उन्हीं के स्तोत्रों की रचना करते हो, कहाँ हैं भगवान भोलेनाथ, वह तुम्हारे कष्ट का निवारण क्यों नहीं करते। पुत्र के कष्ट में होने पर सर्वप्रथम माता ही उसका सहारा होती है। माता के इन वचनों को सुनकर आदि शंकराचार्य को बहुत अपराध बोध हुआ और उन्होंने माँ दुर्गा भवानी की स्तुति में इस परम कल्याणकारी स्तोत्र की रचना की और इससे प्रसन्न हो माँ ने उनके सभी कष्टों का निवारण कर दिया। ऐसी ही एक अन्य कथा के अनुसार एक बार आदि गुरु शंकराचार्य काशी आए तो वहाँ उन्हें अतिसार अर्थात दस्त हो गया, जिसके कारण से वे अत्यंत दुर्बल हो गए। अत्यंत कृशकाय होकर वे एक स्थान पर बैठे थे। उन पर कृपा करने के लिए भगवती माँ अन्नपूर्णा एक गोपी का वेश बनाकर दही का एक बहुत बड़ा पात्र लिए वहाँ आकर बैठ गईं। गोपी का रूप धारण करके शंकराचार्य के पास आई हुई माता जी ने कहा, स्वामी जी मेरे इस घड़े को उठवा दीजिए। इस पर स्वामी जी ने कहा, माँ मुझ में शक्ति नहीं है, मैं इसे उठवाने में असमर्थ हूँ। तब माँ ने कहा, तुमने शक्ति की उपासना की होती तब तो शक्ति आती, शक्ति की उपासना के बिना भला शक्ति कैसे आ सकती है। यह सुनकर शंकराचार्य जी को अपनी भूल की अनुभूति हुई और उन्होंने शक्ति की उपासना में अनेक स्तोत्रों के साथ साथ इस परम कल्याणकारी भवान्याष्टकम स्तोत्र की रचना की। प्रिय दर्शकों, इस स्तोत्र के पाठ से माँ दुर्गा प्रसन्न हो आपके सभी दुख दूर करें, इसी मंगल कामना के साथ यह स्तोत्र प्रारंभ करें। हृदय में माँ भवानी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर प्रेम से बोलिए, जय माता की। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, पिता माता भाई बहन ताता पुत्र पुत्री सेवक स्वामी पत्नी विद्या और व्यापार, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे भवानी माँ, एकमात्र आप ही मेरी गति हैं, मैं केवल आपकी शरण में हूँ। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी माँ, मैं जन्म मरण के इस अपार भवसागर में पड़ा हुआ हूँ। भवसागर के महान दुखों से भयभीत हूँ। मैं पाप लोभ और कामनाओं से भरा हुआ हूँ तथा घृणा योग्य संसार के अर्थात इस कुसंसार के बंधन में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, मैं केवल आपकी शरण में हूँ, अब एकमात्र आप ही मेरी गति हैं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यान योग का मार्ग ही मुझे पता है। तंत्र मंत्र और स्तोत्र का भी मुझे ज्ञान नहीं है।
पूजा तथा न्यास योग आदि क्रियाओं को भी मैं नहीं जानता हूँ। हे देवी, हे माँ भवानी, अब एकमात्र आप ही मेरी गति हैं, मुझे केवल आपका ही आश्रय है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी माता, मैं न पुण्य जानता हूँ, न ही तीर्थों को, न मुक्ति का पता है, न लय का। हे माँ भवानी, भक्ति और व्रत का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हे भवानी, एकमात्र आप ही मेरी गति हो, अब केवल आप ही मेरा सहारा है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। मैं कुकर्मी, कुसंगी अर्थात बुरी संगति में रहने वाला, कुबुद्धि अर्थात दुबुद्धि, कुदास अर्थात दुष्ट दास और नीच कार्यों में ही प्रवृत्त रहता हूँ, अर्थात मैं सदैव सदाचार से हीन कार्य करता हूँ। दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि अर्थात कुदृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझ अधम की एकमात्र आप ही गति है, मुझे केवल आपका ही आश्रय है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माँ भवानी, मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र को नहीं जानता हूँ, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को भी नहीं जानता हूँ। हे शरण देने वाली माँ भवानी, आप ही मेरा सहारा है, मैं केवल आपकी ही शरण में हूँ। एकमात्र आप ही मेरी गति है, आप ही मेरी गति है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, आप विवाद विषाद में, प्रमाद प्रवास में, जल अनल में, पर्वतों में, शत्रुओं के मध्य में और वन में सदा ही मेरी रक्षा कीजिए। हे भवानी माँ, मुझे केवल आपका ही आश्रय है, एकमात्र आप ही मेरी गति है, आप ही मेरी गति है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे माता, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण और रोगी हूँ। मैं अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपदग्रस्त अर्थात विपत्तियों से घिरा रहने वाला और नष्ट हूँ। अतः हे भवानी माँ, अब आप एकमात्र मेरी गति हैं, मैं केवल आपकी ही शरण में हूँ, आप ही मेरा सहारा है, आप ही मेरा सहारा है। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका।